हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद टू ऑल ऑफ यू दोज आर लिसनिंग टू दिस माई मास्टर दादा लक्ष्मी भगवान सत्संग, जो अभी कलयुग का पीक टाइम है, जहाँ माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ गुरु को कौन मानेगा। ऐसे समय में हमारे गुरुदेव क्या होंगे, पैगंबर आए हैं धरती पर जिनका ज्ञान अभी तक चल रहा है और सुनने वाले भी हैं। दिव्य ज्योति, दिव्य आत्माएं आप सारे हो जो भी ये सुन रहे हो, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है, यही उनकी कृपा है। मैं ऐसे सद्गुरु को बार 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 नमन करती हूँ। गुरु कैसा करो, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु को जो भी प्रचारिक होते हैं हम उनको गुरु बोलते हैं, हम उनका मानना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सद्गुरु कौन है? द मास्टर, ही हैज़ द मास्टर की होती है जो हमको निकालनी होती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम बोलते हैं, धन मांगते हैं भगवान से, शादी ब्याह मांगते हैं, जमीन जायदाद, लेकिन गुरु क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं मांगते? शास्त्रों में तो लिखा है ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, अमृत वेला का समय है, प्रार्थना करो जिसके पास गुरु नहीं है कि हे भगवान मुझे कोई गुरु मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से हम निकलें। असली भगत ये करता है, हमें तो बैठे बिठाए ही आ गया, जिसने अभी शुरुआत भी नहीं करी है तो वो ऐसे टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का समय जब ट्रैफिक कम होती है, दुनिया सो रही है, आवाज़ जल्दी पहुंच जाती है, वो समय होता है हमें डायरेक्ट बात करने का। जिनका गुरु नहीं है वो निराकार से करते हैं, जिनका गुरु है वो अपने गुरु से करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हे प्रभु, मेरे द्वारा गुरुजनों की सेवा होती है। हे प्रभु, दादा भगवान का ज्ञान, एक मिनट का भी ज्ञान मिल जाए तो सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। गुरु की शरण जाने के लिए जो रहनी रहे सो गुरु हमारा। गोरखनाथ ने भी बोला हुआ है, आपको पता है नवनाथों में जो नाम है गुरु गोरखनाथ का, उसने भी बोला था जो रहनी रहे वो गुरु हमारा। नहीं तो गुरु तो बहुत सब हैं, कैसे मानोगे? कबीर के सुनाती हूँ, कबीर जो बोलते थे लोभी लालची ऐसे वाले गुरु को तो एक मिनट नहीं लगाओ छोड़ने का। प्यारे बच्चों, अध्यात्म की यात्रा करने के लिए क्या क्वेश्चन करता है प्रेमी, क्या आध्यात्मिक यात्रा शुरू गुरु के बिना नहीं हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कठिन है। जब अपने से जोर लगाओगे और सोचोगे यस, हम आँखें बंद करके समाधि लगाएंगे, जहाँ ऐसे कोई मंत्र ले लेंगे तो बत हो जाएगा, हमें मंत्रधारी गुरु क्यों नहीं मिला? इट मीन्स हम सारे हायर क्लास में हैं, कुछ तो करके आए हैं ना। गुरु कैसा हो, क्या करें पाने के लिए, गुरु गीता पढ़ो तो आपको सब कुछ सारे आंसर मिल जाएंगे। शिव ने खुद ही कैसे बताया है परम सुख को, सुख का दाता है वो। उसमें जो प्रेयर में हमारी आता है, ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तस्मय तत्मस्याय लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलं सर्वदी साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि तसद्गुरुतं नमामि। परम सुख के दाता पूर्ण है। गुरु अष्टकम भी दिया था आपको गुरु पूर्णिमा पे, सारी दुनिया को ले आओ, लेकिन अगर गुरु नहीं है तुम क्या हो दुनिया में? जैसे किचन में जाओ सब कुछ है, लाइटर नहीं है, माचिस नहीं है, 10 AC लगाए हैं पीछे से बिजली नहीं है, तो क्या होगा? सद्गुरु सब जगह व्यापक है, तत्मसी महावाक्य है, ग्रंथों में आनंद परम शांति की तरह वो अहम ब्रह्मस्मि तत्मसी है, एक रूप है, एकम नित्यम, उनके जैसा दूसरा नहीं है, नित्य है। शरीर सतगुरु का भी ओझल होता है, वो जाते नहीं हैं,
सुनना ध्यान से, सतगुरु जाते नहीं हैं जब तक उनके शिष्य की मुक्ति नहीं हो जाती। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। सतगुरु का शरीर ओझल होता है लेकिन जाते नहीं हैं जब तक उनके शरीर की मुक्ति नहीं हो जाती। सतगुरु कभी नहीं जाते हैं, वो शिष्य के हृदय में ही अचल रहते हैं, एक समान रहते हैं। सर्वादि सूक्ष्म में, कॉस्मिक में रहते हैं। कॉस्मिक मीन्स भावात्मिक, सब भावों से परे हैं वो। कभी गुस्सा भी दिखाते हैं तो उसमें भी भलाई के लिए है, नहीं तो उनको क्या मिलना है? कोई शिष्य बने नहीं बने, कुछ हो, उनको क्या है? उनकी कमिटमेंट होती है, निराकार ने भेजा होता है उनको। मैं आपको बताऊं, जो भी पुराने सत्संगी होंगे, मुझे पता नहीं है, एक बार कोई हरिद्वार गया हुआ था, मैं नहीं गई हुई थी, कुछ कारण होगा, तो एक पैक जैसे वचन मिलते थे ना, जो जिसके हाथ में आ गया उसके जैसे वचन आ जाता था, ऐसे ही वो पैक था, रैप था पेपर से, और वो मेरे लिए आया था। उसमें था, जो मुझे पूरी श्रद्धा से पकड़ता है वो ख़त्म हो जाता है, शरीर तो वैसे भी मिथ्या है, क्यों ना खुशी से खाब करें। ये वचन आया था, आज भी याद है मुझे, कितने सालों पहले की बात है ये। भगवान बुद्ध जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो उन्होंने क्या, परम शांत मुद्रा में बैठे लेटे जा रहे थे दुनिया से, तो एक ही चीज़ बोल के गए, आपो विपो बवा, आपो दीपो बवा, माना अपना दीवा खुद बनो। लेकिन इसमें लोगों ने क्या करा, मूर्ख होते हैं, आता कुछ भी नहीं है। अभी मैंने देखा है सत्संग में, कोई एक साल का है, दो साल का है, और सोचते हैं अभी पा लिया हमने सब कुछ, ना परीक्षाएं हुई, ना कुछ किसी ने जांचा, ना सर्टिफिकेट दिया, अपने से ही दो शब्द आ गए, बस उसमें सोचते हैं हो गया, फॉरवर्ड करना शुरू हो जाते हैं। अरे तुम तो अभी साल दो साल के बच्चे हो, जरा गुरुदेव को परीक्षा तो लेने दो, देखें तो सही कितने पानी में हैं। तो जब बुद्ध ने बोला कि अपना दीवा खुद बनो, तो लोग क्या हुआ, अपने ही सोचे हम बन सकते हैं मास्टर, और जुट गए अपने से ही। तभी तो बोलते हैं उनके समय, कोई बोलता है कि बुद्ध के समय के 200 लोग बुद्ध तत्व को प्राप्त हो गए थे, फिर किसने बोला नहीं, ये गलती कर गए थे जो बोल के कि अपना दीवा खुद बनो, अपना द्वीप स्वयं बनो, तुम एक आइलैंड बन जाओ, चारों तरफ समुद्र की विशालता फैली, जल राशि, समुद्र में प्रचंड वेग और तूफान, खारा पानी, और उसके बीच में एक टापू बन जाओ। तो ये गलती करके उन्होंने क्या करा, लोग सिर्फ दो चार बोलते बुद्ध के समय भी, वो बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए थे। दी मास्टर क्या है, सतगुरु, सच्चा सतगुरु इस सृष्टि पर जीता जागता भगवान है। गुरु की अमर वाणी से आज सारा विश्व उजागर हो रहा है। गुरु दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि देकर अंदर की आंखें खोलता है। सच्चे जिज्ञासु के लिए सतगुरु साकार या निराकार हर रूप में हाजिर होता है, सिर्फ पहचानने वाली आंखें हों। गुरु नर से नारायण, कलर से केशर, टिकर से ठाकुर, जीव से ब्रह्म बनाते हैं। किसी संत ने भी बोला था, गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते। गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य देव गोसाई का भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की बात कौन चलाएगा, उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कबीर ने कहा है, शिष्य तलवार है तो गुरु शिकलीगर है, वे निर्णय रूपी शान पर उसे चढ़ाकर मस्कला देते हैं। जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है और सन्मुख रहता है, वह बुद्धिमान शिष्य ज्ञान से परिपुष्ट होता है। असली शिष्य
वही है जो उसकी परीक्षा हुई, वो फेल भी हुआ लेकिन छोड़ के नहीं गया, वो भटका नहीं कहीं पे। ऐसा इंसान जन्मों तक नरक में बनाता है। जन्म तो ले लेगा, कभी परेशानी किसी चीज़ में आएगी, कभी किसी में आएगी। जैसे मैंने दिल्ली में सुना था, GK 2 में, GK 1 में कहा थे कि भगवान जी ने बोल, जहाँ गुप्ता जी के घर आके रहते थे, कि तुमको नींद आ गई थी जब मैं था उधर, किसी के हैंडीकैप बच्चे हैं वो लेके दोबारा आए नेक्स्ट में, किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, 15 15 साल के बाद पूजन करा के आए दोबारा। क्यों हम अपने को कंप्लीट नहीं करते? क्यों एक ही जन्म में हम सर पे कफन, एक ही गुरु के आगे क्यों नहीं मर जाते? कुछ तो हमारा धर्म होना चाहिए। माँ के घर में भी हमारा धर्म था, पति के घर में था, क्या गुरु के घर में कोई धर्म नहीं है? पति के घर में भी कितनी परीक्षाएं, पूरे कुटुंब को हम देखते हैं, वो सब सह लेते हैं। और गुरु का धर्म, जिसने भव सागर पार कराना है, वो परीक्षा नहीं लेगा कि उसके किसी रूप में भी लेगा। उसका कोई गुरु भाई बहन ही तुम्हारी अग्नियां देखेगा, किसी के मुख से भी तुम्हारा परीक्षा होगी। और हम क्या करेंगे, वापिस वहीं जाएंगे, फिर भटकेंगे, फिर किसी किसी गुरु के पास जाएंगे। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। एक जना अपने गुरु से हट के दूसरी जगह गया, वो समझदार था, वो समझ गया जो उधर नहीं बसा वो मेरे पास भी नहीं बसेगा। मैं भी ऐसी हूँ, अगर कोई उधर से बोले, आए भी बड़े जने, हमने बोला नहीं वापस जाइए, अगर उधर नहीं टिके तो इधर भी नहीं टिकोगे। समझ जाना इन बातों को जो गुरु भगवान की बातें बता रही हूँ मैं। एक ही जन्म कफन बांधना मिला रोपा की तरह, जो भी हो जाए हम इधर से हटेंगे नहीं। ले ले गुरु जितनी भी परीक्षा, फिर देखो तीनों लोकों में तुम्हें क्या सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, मैं गारंटिड बोलती हूँ। तीनों लोकों में क्या सीख है ये सब? हम अपना इतना कीमती समय किस दांव पर लगा रहे हैं? ये मन रस लेता है अपने वालों का बहाना बना के, जी हमारे फर्ज है, ड्यूटी है, कुछ धर्म से हट जा, कर्म से हट जा, काम नहीं कुछ और हमें। ठीक है, द मास्टर द मास्टर द मास्टर, गुरु क्यों और क्यों होना चाहिए? क्या करता है गुरु? बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं प्यारे बच्चों, बहुत भाग्यशाली हो जिन इस वाले समय में जो ये पता चल रहा है हमें। इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने तो सत्संगियों की बुद्धि भ्रष्ट होते देखा, आपने तो संसार को देखा होगा। समझ ही नहीं आई, इतनी जल्दी कलयुग उनके बीच आता गया। वो आते ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हर जन्म में कोई 8 7 10 साल के लिए आएगा और बैठ जाएगा, बोलेंगे पा लिया हमने। नहीं है, नहीं करना ऐसे, एक जन्म ही खत्म कर दें हर जन्म, फिर गुरु क्या कृपा करता है। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 ओम, शांति शांति शांति। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, ओषधया शांति, वनस्पतया शांति, बृहस्पतया शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांतिरेव शांतिरेधियो शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र है, लगाए रखिए अपने घरों में। शांति पाने के लिए परिवर्तन का समय है, संधि काल है, परिवर्तन युग होने वाला है। हरिओम।